मोदी ने दिल्ली में राजस्थान की लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक ली, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुजर, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी कुलदीप बिश्नोई सहित राजस्थान से जुड़े अन्य नेता भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों सहित अन्य नेताओं से राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार 2047 तक बनी रहे, इस जोश के साथ में काम करना है। इस बैठक के दौरान सबसे हैरत की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच बाबा को अपना पुराना मित्र कह करके संबोधित कर डाला। बीजेपी सांसदों से मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की तो चर्चा होने लगी कि आखिर अब महारानी को लेकर मोदी के मन में क्या चल रहा है। खैर, मुलाकात हुई, बात हुई, आगे क्या होगा इसका इंतजार भी रहेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस सरकार की योजनाओं, सरकार के खिलाफ आगामी प्रदर्शनों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा करते हैं। साथ ही ये साफ किया कि अति आत्मविश्वास में ना बने रहे, बल्कि जमीन से जुड़कर चुनाव की तैयारियों में जुटे। राजस्थान में 2023 में चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ फिर से राजस्थान में रिवाज तोड़ने की बातें कह रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान के माध्यम से कांग्रेस को भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जमकर घेर रही है। तो वहीं कर्नाटक के बाद बीजेपी पूरी तरह से चौकन्नी हो चुकी है और लगातार राजस्थान पर नजरें बनाए है। तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि बीजेपी वसुंधरा राजे को चेहरे के रूप में आगे नहीं करती है तो शिकस्त देखने को भी मिल सकती है। तो ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार मरुधरा का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।